इस वीडियो में जो शख्स आपको दिख रहा है उसका नाम है चंगलेन सिंह और ये जो शख्स है ये मणिपुर का बताया जा रहा है और नागा इस्लामी पेज ने सबसे पहले इस वीडियो को शेयर किया। इस वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस शख्स को जो है कुछ लोग घेरे हुए हैं और वो लोग कौन लोग हैं ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस वही कार्रवाई चल रही है, जबरदस्ती पकड़कर बुलवाना जय श्री राम। मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को जबरदस्ती पकड़कर जय श्री राम क्यों बुलवाना है। क्या आपका धर्म आपका मजहब इतना कमजोर हो गया है कि आप एक सुअरों का झुंड बनाकर आएंगे और जबरदस्ती किसी को पकड़कर जय श्री राम के नारे लगवाएंगे? आप झुंड में किसी को जबरदस्ती पकड़ लेंगे और जबरदस्ती बोलेंगे कि नारे लगाओ? क्यों, किसने आपको दे दिया हक? बोल जय श्री राम। मैं जन्म से मेरे पापा मेरे मामी जय श्री राम बोल बोला जय श्री राम बोल नहीं बोलेगा मतलब तू पक्का है ना? मैं पापा है? मैं पापा मामी। तू इधर क्या करने आया ये बता पहले, तुझे किसने बुलाया है? किसने बुलाया तुझे इधर? वो किसने बुलाया तुझे इधर, नाम बता। इधर क्या मुड़ा हो, इधर आ। बोला तूने जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल बोल। नहीं बोलेगा ना तो तू इनको आके कन्वर्ट करवा रहा है? तेरे आने से पहले वो प्रभु को मानते हैं, तो जय श्री राम वो प्रभु नहीं है? एक मिनट सर, वो प्रभु नहीं है? बोल जय श्री राम बोल, पहले बोल, बोल जय श्री राम। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब से मेरी एक छोटी सी अपील, मेरे YouTube चैनल शाजन उजार ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में मेरे FB पेज शाजन उजार ऑफिशियल, दोनों ही सेम नाम से है, दोनों को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। पहले मैं इस शख्स के मुतालिक बता दूं कि ये जो शख्स है ये क्रिश्चियन मिशनरी से इसका ताल्लुक है और ये अपने धर्म का प्रचार करके लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता है। ये नहीं करता कि झुंड में किसी को पकड़ लेता और जबरदस्ती करवाता है, ऐसा नहीं है। अपने धर्म का प्रचार करता है, अपने धर्म की अच्छी बातें लोगों को बताता है, वो लोगों को पसंद आती है और लोग उसके धर्म को कबूल कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो आदमी है ये अपने धर्म का प्रचार करके लोगों से धर्म परिवर्तन करवाता है। लेकिन इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, वैसे कोई सबूत तो नहीं मिला कि ये लोगों को पैसे देकर धर्म परिवर्तन करवाता है, जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं है। ये इन लोगों का कहना है जो सुअरों का झुंड बनाकर खड़े हैं। भैया ये तो समझने वाली बात है कि अगर कोई पैसा लेकर अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उससे बड़ा दोगला और कमीना आदमी तो कोई नहीं सकता, और ऐसा आदमी तो किसी धर्म और किसी मजहब का नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा आदमी का धर्म जो होता है, जो मजहब होता है, वो सिर्फ पैसा होता है, जिससे मिलेगा, जैसे मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। ये लोग उसी धर्म के उसी ग्रोह में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे पैसा पैसे लेकर अपना धर्म चेंज करने वालों का कोई अपना धर्म अपना मजहब नहीं होता, इन जैसे लोगों का धर्म सिर्फ पैसा होता है, चाहे वो सही तरीके से हो चाहे वो गलत तरीके से हो। और ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि इन लोगों को मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए जो पैसे लेकर अपना धर्म परिवर्तन कर ले, बल्कि इन लोगों को तो और धक्के देकर निकाल देना चाहिए कि भैया तुम जैसे दोगलों का हमारे धर्म में कोई जगह नहीं। चलिए एक मिनट के लिए आप लोगों की बात मान लेते हैं कि ये जो शख्स है ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा था, तो ये धर्म परिवर्तन किस तरह से करवा रहा था? सुअरों का झुंड बनाकर जबरदस्ती बुलवा रहा था कुछ अपने मजहब की बातें, या फिर अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, अपने धर्म की अच्छी बातें लोगों को बताकर धर्म परिवर्तन करवा रहा था? क्या कर रहा था? क्या आप जो देख रहे हैं इन लोगों के जैसे सुअरों का झुंड बनाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा था, ऐसा क्या? इस तरह से जो जबरदस्ती सुअरों का झुंड बनाकर कोई मजहब, चाहे वो इस्लाम ले लो, चाहे वो बुद्ध धर्म ले लो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म ले लो, कोई भी धर्म इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ हिंदू धर्म के लोग खुद अपने धर्म को इस तरह से जो है वो बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म भी ये नहीं करता, ना ये सिखाता है कि जबरदस्ती किसी को पकड़ो और उसको जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाओ, हिंदू धर्म में भी ये नहीं है, लेकिन ये लोग खुद अपने धर्म के खुद के दुश्मन हैं। तो बात अगर हिंदू भाइयों को समझ आती है तो वो ज्यादा बेहतर है। तो ये चीज हमारे हिंदू भाइयों को समझने की जरूरत है, अपने धर्म को बचाने की जरूरत है हमारे हिंदू भाइयों को। तो आप लोग देखिए और अपने धर्म को इन नफरती चिंटुओं से बचाइए, जितनी जल्दी हो सके बचाइए। आर्टिकल 25 और 28 के मुताबिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन है
कि हर सिटीजन को ये राइट है, हक है कि वो अपने धर्म का प्रचार और पालन पीसफुली यानी अमन और सुकून को ध्यान में रखकर कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये शख्स जो है ये तो अपना काम पीसफुली कर रहा था, लेकिन ये जो नफरती चिंटू जो सुअरों का झुंड बनाकर इस शख्स के साथ जो जबरदस्ती कर रहे थे, उसका क्या? क्या इस मॉब में, इस भीड़ में जितने लोग शामिल थे उन पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी, कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? वो मैं आपको बताती हूँ, सरकार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से इन लोगों को खुली छूट मिली हुई है कि ये जो चाहें करें। तो हमारे हिंदू भाइयों को ये चीज समझने की जरूरत है कि आपके धर्म का दुश्मन कोई नहीं, और कोई आपके धर्म के, कोई भी दूसरा धर्म आपके धर्म की निंदा नहीं करता। हाँ, खुद आपके अपने धर्म के कुछ इस तरह के लोग जो हैं वो आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ही हाथ में है कि आप अपने धर्म को किस तरह बचाते हैं। बाकी मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी में ही ताकत है। यूनाइट रहोगे तो ताकत बनी रहेगी, जहाँ मुट्ठी खुली आपका ताकत वहाँ पे खत्म होता है, कोई भी आपको तोड़ सकता है। तो यूनिटी रखो, पांच उंगली जो है, पांच उंगली से मिलकर मुट्ठी बनती है, तो इस मुट्ठी को बरकरार रखो ताकि आपको कोई खोल ना सके आपकी मुट्ठी। दैट्स ऑल, थैंक यू। आखिर में मेरी सब लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि शाजिया निज़ार मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने FB पेज भी बनाया है ठीक शाजिया निज़ार ऑफिशियल के ही नाम से, यानी कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वही मेरा जो है वो FB पेज भी उसी नाम से है, तो दिक्कत और दुश्वारी नहीं होगी सर्च करने में। तो प्लीज़ मेरे दोनों जगहों को जो है, दोनों चीज़ों को जो है सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरे चैनल पे नए आ रहे, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है। और दूसरी बात, इंस्टा पर भी मेरा अकाउंट है शाजिया निज़ार के नाम से, इंस्टाग्राम अकाउंट शाजिया निज़ार के नाम से है, वहाँ पर भी मैं अपनी वीडियो पोस्ट करती हूँ, वहाँ पर भी आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। शुक्रिया।